नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे 9 बड़ी खबरों की इस खास कार्यक्रम में। बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं, करनाल को मुख्यमंत्री ने करोड़ों की सौगात दी है। सबसे पहली खबर की हम बात कर रहे हैं, 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, 4 लेन सड़क का शुभारंभ किया गया है, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया गया है। पहली बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर करनाल को मुख्यमंत्री ने करोड़ों की सौगात दी है, 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, 4 लेन सड़क का शुभारंभ किया गया है, ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले, मिनी खेल स्टेडियम का भी शुभारंभ किया गया है। करनाल को मुख्यमंत्री की तरफ से करोड़ों की सौगात दी गई है। बड़ी खबर आपको सबसे पहली खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर करनाल को मुख्यमंत्री ने करोड़ों की सौगात दी है, 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, 4 लेन सड़क का भी शुभारंभ किया गया है। तो करनाल वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से करोड़ों की सौगात दी गई है, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है, मिनी खेल स्टेडियम का भी शुभारंभ हुआ है, 4 लेन सड़क का भी शुभारंभ किया गया है, 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। करनाल को मुख्यमंत्री ने दी करोड़ों की सौगात, सबसे पहली खबर की हम बात कर रहे हैं। करनाल वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से करोड़ों की सौगात दी गई है, 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिसके मद्देनजर 4 लेन सड़क का भी शुभारंभ, ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया गया है। तो करनाल वासियों के लिए मुख्यमंत्री ने करोड़ों की सौगात दी है। जी हां, पहली खबर की बात कर रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, करनाल वासियों के लिए सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन के दौरे पर करनाल में रहे, और जिसके बाद उन्होंने जो करोड़ों की सौगात के विकास कार्य जो चल रहे थे उनकी सौगात भी उनको उद्घाटन कर करनाल के लोगों को दिया, जिससे आम जन को काफी सहायता जरूर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से एक गप्पू वाला बाग में स्टेडियम बनाया गया था जिसका नाम सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम रखा गया, और वो वहां पर पहले काफी गंद पड़ा रहता था, लेकिन वहां पर स्टेडियम बनाकर एक बच्चों के लिए सौगात दी गई। वहीं अगर बात की जाए तो जो इंद्री रोड और कैथल रोड जो 4 लेन का काम काफी अपने समय से चल रहा था, उसका काम पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया गया, और साथ ही साथ जो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन गैस प्लांट का उद्घाटन किया गया, और साथ ही साथ जो यहां पर जो शुगर मिल थी उसका नवीनीकरण कर उद्घाटन किया गया। लगभग 500 से अधिक करोड़ की जो सौगात है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो करनाल पहुंचे थे यहां के लोगों को दिया, जिससे आमजन को और किसानों को काफी सहायता होने वाली है। जी सृष्टि बिल्कुल विकास, तो करनाल वासियों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है, क्या कुछ कहना था उनको? करोड़ों की सौगात मिली है, आने वाले समय में काफी फायदा होने वाला है करनाल वासियों को। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जो करनाल के लोग काफी खूब जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने भी उनसे बातचीत की, जैसे कि किसानों के लिए जो शुगर मिल थी उसका नवीनीकरण किया गया, क्योंकि पहले वहां पर 2200 टन प्रतिदिन जो वहां पर पिराई होती थी, लेकिन अब 3500 टन वहां पर पिराई होगी, उससे काफी सहायता किसानों को मिलेगी। साथ ही साथ जो आसपास गाँव है वहां से लोग शहर आते थे तो उन्हें जो भी जो तंग सड़क से गाँव शहर में आना पड़ता था, लेकिन वहां पर हादसे होते थे, कई हादसे पहले हुए हैं, लेकिन अब 4 लेन जो दोनों तरफ से जो हाईवे कर दिए गए हैं, जिसमें अब आम जन को सहायता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ जो करनाल का कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें जो ऑक्सीजन की किल्लत कई बार हो जाती थी, लेकिन अब वहां पर खुद का प्लांट लगा दिया गया है, जिससे ऑक्सीजन वहां पर बनाएंगे और वार्ड में ऑक्सीजन भेजी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आम लोग हैं करनाल के, उनके लिए सौगात काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सबसे पहली खबर की हम बात कर रहे थे, जहां पर आपको बताते चले सीएम ने करनाल वासियों को करोड़ों की सौगात दी है, मिनी स्टेडियम का भी शुभारंभ किया गया है, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया गया है, 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने छठ पर्व की बधाई दी है, छठी मैया से सभी को हमेशा प्रसन्न रखने की कामना भी की गई है। पूर्वांचल से पंचकुला आए लोगों को प्यार मिला है, छठ पूजा के लिए 2.5 करोड़ की राशि
राशि लगाई गई है। तो दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने छठ पर्व की बधाई दी है। छठी मैया से सभी को हमेशा प्रसन्न रखने की कामना करी गई है। छठ पूजा के लिए 2.5 करोड़ की राशि लगाई गई है। तो बड़ी अहम खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दूसरी बड़ी खबर है ये, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी को छठ पर्व की बधाई दी है। आपको बताते चलें, 2.5 करोड़ की राशि छठ पर्व में खर्च की गई है, साथ ही साथ छठी मैया से सभी को प्रसन्न रखने की कामना करी गई है। दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले, छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है और सभी छठ पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। इसी बीच आपको बताते चले, स्पीकर ज्ञानचंद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी छठ पर्व की सभी को बधाई दी और साथ ही साथ छठी मैया से कामना की है कि सभी को प्रसन्न रखें। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने छठ पर्व की बधाई दी है, छठी मैया से सभी को हमेशा प्रसन्न रखने की कामना करी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकेश, छठ पर्व की धूम हर जगह देखने को मिल रही है, तो वहीं बात की जाए छठ पर्व की, तो 2.5 करोड़ की राशि खर्च की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी प्रदेश वासियों, पंचकुला वासियों और देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी है छठ पूजा पर। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो भी लोग हरियाणा में आए हैं, अपना अरुणाचल छोड़कर उनका ढेर सारा मुझे प्यार मिला है, तो आज शाम को वह पंचकुला में जो निर्माण हुए 2.5 करोड़ की लागत से छठ घाट तैयार हुआ है, वहां पर आगे आर्दश करें और अपनी मनोकामना को पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया विकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने छठ पर्व की सभी को बधाई दी है। छठी मैया से सभी को हमेशा प्रसन्न रखने की कामना करी गई और साथ ही साथ आपको बताते चले, छठ पूजा के लिए 2.5 करोड़ की राशि लगाई गई है। दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने छठ पर्व की सभी को बधाई दी है, छठी मैया से सभी को हमेशा प्रसन्न रखने की कामना भी करी गई है। पूर्वांचल से पंचकुला आए लोगों का प्यार मिला है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का ऐसा कहना, साथ ही साथ छठ पूजा के लिए 2.5 करोड़ की राशि लगाई गई है। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करी है, कृषि के विषयों पर विस्तार से चर्चा करी गई है। तीसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करी है, कृषि के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तीसरी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करी है, साथ ही साथ जो कृषि के विषय हैं उन पर गंभीर से चर्चा की गई है। आपको बताते चले, जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करके कृषि के विषय में मुद्दों पर चर्चा करी गई है। तीसरी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकेश, जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत करी है, क्या कुछ बातचीत हुई है इस बैठक में? मुलाकात की है जी, और जो 15 नवंबर को खाद की खरीद होने पर उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने बोला है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकेश, लेकिन लगातार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है खाद को लेकर के। बिल्कुल जी, प्रदेश में किसान बहुत परेशान है, परंतु सरकार का ये कहना है कि सरकार हमेशा किसानों के हित में काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करी है, कृषि के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की,
चौथी बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। चौथी बड़ी खबर किसान कुलदीप मामले में अभय चौटाला का बयान सामने आया है। सांसद और सहयोगियों पर मुकदमे दर्ज हो, मारपीट के लिए मामला दर्ज होना चाहिए, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द होने चाहिए, किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। इलाहाबाद से बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं, चौथी बड़ी खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसान कुलदीप मामले में अभय चौटाला का बयान सामने आया है। सांसद और सहयोगियों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, मारपीट के लिए मामला दर्ज होना चाहिए, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें रद्द करना चाहिए, किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, अभय चौटाला का ऐसा कहना है। तो आपको बताते चले, विधायक अभय चौटाला का कहना है कि जो किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं उसे जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए, साथ ही साथ जो किसानों की मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। तो चौथी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर किसान कुलदीप मामले में अभय चौटाला का बयान सामने आया है। सांसद और सहयोगियों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, मारपीट के लिए मामला दर्ज होना चाहिए, मारपीट के लिए मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसा अभय चौटाला का कहना है। साथ ही साथ जो किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेना चाहिए, ऐसा भी कहना है अभय चौटाला का। अभय चौटाला का बयान सामने आया है। किसान कुलदीप मामले में अभय चौटाला ने बयान दिया है, सांसद और सहयोगियों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, मारपीट के लिए मामला दर्ज होना चाहिए और साथ ही साथ जो किसानों की मांगे उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो आप पर किसान कुलदीप मामले में अभय चौटाला का बयान सामने आया है। सांसद और सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मारपीट के लिए मामला दर्ज होना चाहिए और किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें रद्द करना चाहिए, ऐसा बयान दिया है अभय चौटाला ने। किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। किसान कुलदीप मामले में अभय चौटाला का बयान सामने आया, सांसद और सहयोगियों पर दर्ज हो मुकदमे, चौथी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, हांसी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस ने वीडियो जारी किया है, किसान कुलदीप को नहीं आई थी बाहरी चोट, मेडिकल रिपोर्ट में भी बाहरी चोट की पुष्टि नहीं हुई है, किसान के साथ नहीं की गई थी धक्का मुक्की और झड़प, सांसद रामचंद्र जागड़ा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पांचवी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो जारी किया है, किसान कुलदीप को बाहरी चोटें नहीं आई थी, मेडिकल रिपोर्ट में भी बाहरी चोटों की पुष्टि नहीं हुई है, किसान के साथ धक्का मुक्की और झड़प नहीं की गई थी। तो हांसी से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर एक वीडियो जारी हुआ है, पुलिस की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले किसान कुलदीप को बाहरी चोटें नहीं आई हैं, तो वहीं मेडिकल रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट्स में भी बाहरी चोटों की पुष्टि नहीं हुई है, यानी किसान कुलदीप के साथ धक्का मुक्की नहीं की गई थी, झड़प नहीं की गई थी। ये वीडियो सामने आया, टीवी स्क्रीन पर लगातार हम वीडियो दिखा रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जो हांसी से है, जहां पर पुलिस ने वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किसान कुलदीप को बाहरी चोटें नहीं आई हैं, किसान कुलदीप के साथ मारपीट और धक्का मुक्की नहीं की गई थी, लेकिन सांसद रामचंद्र जागड़ा की गाड़ी के शीशे जरूर तोड़े गए हैं। तो ये वीडियो सामने आ चुका है, पुलिस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसान कुलदीप के साथ धक्का मुक्की नहीं की गई थी, मारपीट नहीं की गई थी और किसान कुलदीप को बाहरी चोटें नहीं आई हैं। पांचवी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हांसी में पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करने के बाद साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसान कुलदीप को बाहरी चोटें नहीं आई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट्स में भी चोटों की पुष्टि नहीं हुई है। हांसी से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसान कुलदीप के साथ धक्का मुक्की नहीं की गई थी, पुलिस ने वीडियो जारी किया है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के
तोड़े गए थे शीशे, किसान के साथ नहीं की गई धक्का मुक्की और झड़प। मेडिकल रिपोर्ट्स में भारी चोटों की पुष्टि नहीं हुई है। किसान कुलदीप को भारी चोटें नहीं आई हैं। हांसी से आपको ये खबर हम बता रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। लगातार हम आपको 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बता रहे हैं। आपको बताते चले पांचवी बड़ी खबर जो हांसी से है। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। किसान कुलदीप को भारी चोटें नहीं आई हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी भारी चोटों की पुष्टि नहीं हुई है। किसान के साथ नहीं की गई थी धक्का मुक्की और झड़प। सांसद रामचंद्र जागरा की गाड़ी के तोड़े गए थे शीशे। पांचवी बड़ी खबर की बात कर रहे हैं हम। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। किसान कुलदीप को बाहरी चोटें नहीं आई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, एक वीडियो पुलिस ने जारी किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसान कुलदीप को भारी चोटें नहीं आई हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट्स में भी ये पुष्टि हुई है कि किसान को भारी चोटें नहीं आई हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर हम इस प्रकरण की बात करें जो नानोंद में हुआ है, उसको लेकर के जो किसान है अभी हिसार के जो जिंदल हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, उसको लेकर के पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें वो बताया गया है कि जो किसान कुलदीप है उसको दौड़ते हुए गिरा है और उसके बाद ही उसको इस प्रकार की कोई घटना हुई है, चोटें आई है, नस ब्लॉक हुई है, जो भी है। इसको लेकर के जो हाथी की एसपी है निकिता, उन्होंने पहले भी यही बयान दिया था कि पुलिस झड़प के साथ उन्हें कोई चोटें नहीं आई। और वीडियो जारी करके प्रशासन ने कहीं अपने आप को साफ करते हुए ये कहा है कि जो चोटों की बात की जा रही है वो झड़प की नहीं है, वो गिरने की वजह से लगी है। बिल्कुल, तो लेकिन लगातार अनूप बात की जाए तो किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें वापस लेना चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि अब तो वीडियो आ गया है। हाँ बिल्कुल सृष्टि, पहले ये जो है ना नानोंद थाने में ये धरना चल रहा था, जो आजकल एसपी कार्यालय के सामने पक्का मोर्चा बना दिया गया है। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रशासन के सामने जो एसपी कार्यालय उसके सामने बिल्कुल किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया और किसानों की अभी वही मांग है। और जो वीडियो वायरल किया गया इसके ऊपर भी किसानों का यही बयान आया है कि ये जो प्रशासन की भाषा है, प्रशासन अपने बचाव में इस प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। उन्होंने यही कहा है कि पुलिस झड़प में चोटें आई है और जब तक किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती और में जो किसानों पे दर्ज किए गए वो वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सृष्टि, अनूप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पांचवी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं जहां पर पुलिस ने वीडियो जारी किया है। किसान कुलदीप को भारी चोटें नहीं आई हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में भारी चोटों की पुष्टि नहीं हुई है। किसान के साथ नहीं की गई थी धक्का मुक्की और झड़प, लेकिन सांसद रामचंद्र जागरा की गाड़ी के शीशे जरूर तोड़े गए थे। अब रुक कर लेते हैं छठी बड़ी खबर का। सोनीपत से आपको खबर बता देते हैं। 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, आंदोलन का एक साल पूरा होने पर ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। छठी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं जहां पर 29 आपको बताते चले सोनीपत से खबर। 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, आंदोलन का एक साल पूरा होने पर ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। किसान संसद भवन तक मार्च करेंगे। 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, सोनीपत से खबर आपको हम बता रहे हैं। छठवीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम जहां पर किसानों के आंदोलन का एक साल पूरा होने वाला है। 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च है, जहां एक साल पूरा होने वाला है। कृषि कानून का विरोध लगातार किसान करते चले जा रहे हैं। किसान संसद भवन तक मार्च करने वाले हैं। आंदोलन का एक साल पूरा होने पर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, सोनीपत से खबर आपको बता रही है। छठवीं बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, आंदोलन का एक साल पूरा होने पर ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। किसान संसद भवन तक करेंगे मार्च।
सोनीपत से आपको खबर बता रहे हैं, 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, आंदोलन का एक साल पूरा होने पर ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। किसान संसद भवन तक मार्च करने वाले हैं। सोनीपत से आपको छठी बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, आंदोलन का एक साल पूरा होने पर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। किसान संसद भवन तक करेंगे मार्च। आपको बताते चले, कृषि कानून के विरोध में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो गया है। सातवीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, सार से खबर आपको बताते हैं। सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गांव मंगाली में टीम ने दो जगहों पर रेड मारी। सीएम फ्लाइंग से 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। एक दुकान से 16 और दूसरी दुकान से 55 सिलेंडर बरामद किए गए। छोटे गैस सिलेंडरों में भरी जाती थी गैस। गैस भरने के 4 यंत्र भी टीम ने बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सातवीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांव मंगाली में टीम ने दो जगहों पर रेड मारी है। सीएम फ्लाइंग ने 71 घरेलू गैस बरामद किए हैं। एक जगह से 16 तो दूसरी जगह से 55 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। छोटे गैस सिलेंडरों में भरी जाती थी गैस। सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गैस भरने के 4 यंत्र भी टीम ने बरामद किए हैं। छोटे गैस सिलेंडरों में भरी जाती थी गैस। एक दुकान से 16 और दूसरी दुकान से 55 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। सीएम फ्लाइंग ने 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। सीएम फ्लाइंग ने 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। एक दुकान से 16 और दूसरी दुकान से 55 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। आठवीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, अंबाला से खबर बताते हैं। नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर पर पैसे मांगने के आरोप लगाए गए हैं। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। तो आपको बताते चले, आठवीं बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हम। अंबाला से खबर आ रही है, नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अंबाला से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे गए थे। आपको बताते चले, डॉक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। अंबाला से आपको खबर बता रहे हैं, नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टर पर ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगने के आरोप लग रहे हैं। थाने में इसको लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अंबाला से आठवीं बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर पर पैसे मांगने का आरोप लगाए एक महिला ने आरोप लगाए हैं। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। अंबाला से आपको ये खबर बता रहे हैं, आठवीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम। और अब आपको आखिरी यानी कि नौवीं बड़ी खबर बता देते हैं। फतेहाबाद से युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घर से बाजार जा रहा था युवक। दो दिन पहले युवक से हुआ था विवाद। परिजन मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आपको बताते चले, दो दिन पहले युवक से विवाद हुआ था, परिजनों का ऐसा कहना है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी है
माधेयाबाद से आपको नौवीं बड़ी खबर बता रहे हैं। तो लगातार हम आपको खबरें बताते चले जा रहे हैं, बड़ी खबरों का रुख हम कर रहे हैं। फतेहाबाद से आखिरी और नौवीं खबर आपको हम बता रहे हैं। युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। घर से बाजार जा रहा था युवक और परिजनों का कहना है कि दो दिन पहले युवक का किसी से विवाद हुआ था। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको फतेहाबाद से हम बता रहे हैं, जहां पर एक युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।